नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अमेजिंग डील विद अमेजॉन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए किचन के कुछ ऑर्गेनाइज़र लेकर आई हूँ जो बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र हैं, जिससे आप स्पेस भी बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं फ्रेंड्स। देखिए, जैसे ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज़र है, इसमें आप किसी प्रकार के स्पून, कटलरी वगैरह या फिर आप कई तरीके से अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी सारा स्पेस सेव होगा। सेकंड, ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक बास्केट की तरीके है और ये आप कहीं पे भी मतलब टांग सकते हैं इसे, और इसके सारे पीसेस आप अलग अलग निकाल सकते हैं। इसको वॉश करना वगैरह बहुत ही इजी है, आप इजी तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे कहीं पे अगर अपनी वॉल वगैरह में होल्ड कर देते हैं तो इससे आपका काफ़ी सारा स्पेस सेव होगा और काफ़ी सारे इसमें खुद ही इतना स्पेस है। थर्ड देखिए फ्रेंड्स, ये अपने फ्रिज के लिए है, बॉक्सेस हैं और ये आपको 6 पीसेस में मिलेंगे। आप देख पा रहे होंगे इसमें काफ़ी सारा आप अपना फ्रूट्स, वेजिटेबल वगैरह कुछ भी आप स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश रहेगा और आपका काफ़ी सारा फ्रिज का स्पेस भी सेव हो सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक ये है पीस, इसे आप कहीं पे भी अपनी हैंग कर दें तो देखिए इसमें काफ़ी तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कप वगैरह, कप का ही ये स्टैंड है फ्रेंड्स, ये कप वगैरह हैंग करना है, कटलरी वगैरह हैंग करना है, जिससे आपका काफ़ी सारा स्पेस सेव होगा फ्रेंड्स। एक ये है देखिए, इसमें आपको 4 रैक मिलेंगी, आप इन रैक को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अलग अलग, और ये 4 रैक आपको एक साथ ही मिलेंगी एक ही रेंज पे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसे कहीं भी अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अलग अलग रैक, किसी भी जहाँ पर भी आपको लगे कि नहीं मुझे यहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज़ करना है, 4 रैक यहाँ करना है या 3 करना है या 1 करना है, आप सब से यूज़ कर सकते हैं। एक देखिए फ्रेंड्स, ये फोल्डेबल है, इसे आप देखिए आप कहीं भी किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आपके काफ़ी सारे काम में आ सकती है, वॉशिंग वगैरह करने के लिए भी या फिर कोई काफ़ी सारे हॉट्स अपने बर्तन होते हैं जिन्हें डायरेक्ट हम टाइल्स पर नहीं रखते हैं, तो देखिए आप इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये फ्रेंड्स है, ये बहुत ही यूज़फुल लगता है मुझे, क्योंकि हम लोग कभी भी नहीं मानते फ्रिज के ऊपर सामान रखने के लिए, तो फ्रिज के ऊपर रखने से अच्छा है कि आप एक हैंगिंग ये ले लें स्टैंड, और इसको आप कहीं फ्रिज पे हैंग कर दें और आप अपना जो फ्रिज के ऊपर सामान रखते हैं वो आप इजीली इसमें रख सकते हैं और आपका काफ़ी सारा स्पेस इसकी वजह से सेव हो सकता है। फ्रिज का वैसे भी डोर यूज़फुल नहीं होता है, बट आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंड ये है फ्रेंड्स, पॉट स्टैंड, आप इसके सारे रैक आप निकाल कर अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, जैसे भी आप रखना चाहें इसे, इसके सारे स्टैंड निकल जाते हैं और जहां मर्जी हो वैसे आप इसे लगा के रख सकते हैं। ये देखिए सारे ही स्टैंड इसके निकल जाते हैं और मोस्टली आप ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें कितने टाइप से दिया हुआ, जैसा आपका मन करे आप वैसा ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल स्टैंड है। नेक्स्ट स्टैंड ये फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी सारा स्पेस है और काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत सारा किचन का स्पेस बचेगा और इसे इजीली वॉश कर सकते हैं। देखिए बहुत ही इजी है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए देखिए इसमें कितना इजी है इसमें सारा सब कुछ। नेक्स्ट देखिए, ये भी है, बास्केट टाइप है और इसकी बास्केट आप जिस टाइप जहाँ पे भी मोड़ना चाहें वैसे मोड़ सकती हैं, ये नहीं है कि ये जैसे दिख रही हैं बस ऐसे ही रहेंगी, आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए जैसा भी आपको यूज़ करना हो आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें से आपको जितने भी मैंने 12 प्रोडक्ट दिए हुए हैं, आपको कुछ भी इनमें से परचेस करना है तो इन सभी की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके इन्हें परचेस कर सकते हैं। और इसके अलावा इनके बारे में कुछ जानकारी लेना हो तो लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट अमेजॉन में जा सकते हैं और सारे प्रोडक्ट की आपको जानकारी मिल जाएगी और भी जितना भी आपको देखना हो। और फ्रेंड्स, यदि इतने सारे प्रोडक्ट में से आपको कुछ भी पसंद आया, कुछ भी आपके लिए यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएँ कि आपको इनमें से क्या पसंद आया है। और साथ में यदि वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें
और मुझे कमेंट कर दें, साथ में मुझे सब्सक्राइब करें यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, और यदि आप मेरे चैनल पे पुराने मेंबर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको इनमें से क्या अच्छा लगा, आपकी वीडियो यूज़फुल लगी या नहीं लगी। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।